वेलकम बैक टू अवर चैनल लूसीज माइनक्राफ्ट। और आज हम माइनक्राफ्ट में कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जिस काम से मुझे बहुत बोरिंग लगता है और वो काम थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। मतलब कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल रही हूँ मैं, क्योंकि जो काम कुछ लोगों के लिए बोरिंग होता है और कुछ लोगों के लिए अच्छा लगता है, तो यहाँ पर मैंने लगाया है ये। तो ये आपको माइनक्राफ्ट में मिल सकता है, सबको ही मिलता है ये। तो ये है वॉल स्टोन की, और देखो इसका टेक्सचर वगैरह जूम से। और ये अपनी स्टिक जैसी फेंस, और ये अपनी ग्लास जो भी फेंस जैसी दिखती है। तो हम देखने वाले हैं कि हम पहले वॉल पर जाएंगे और देखेंगे कि हम उस पर चढ़ पाते हैं कि नहीं। पर हम वॉल पर तो नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो हम फेंस पर ट्राई करेंगे। तो फेंस पर भी हम चढ़ नहीं पा रहे हैं। अरे चढ़ना वे। और ये देखो ग्लास पर हम आराम से चढ़ गए। पर एक बात कुछ लोगों ने नोटिस नहीं की है, मतलब मुझे लगता है कि मेरे आंखों में कुछ प्रॉब्लम है कि फेंस की और इसकी हाइट सेम है लगता है ग्लास की। तो आप जब पानी डालोगे तब आप आराम से चढ़ सकते हो। इस पर भी चढ़ सकते हो, इस पर ट्राई करते हैं। हाँ इस पर भी चढ़ सकते हो। तो हम नॉर्मल क्यों नहीं चढ़ सकते, पहले ये पानी हटाते हैं वरना वर्ल्ड खराब हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लोगों का कंस्ट्रक्शन का काम चालू है माइनक्राफ्ट पे, मेरे फ्रेंड्स। तो थोड़ी सर्दी हो गई है, तो पहले मुझे सॉन्ग चेंज करने दो। ये सैमसंग ने वगैरह और साउंड इफेक्ट वगैरह है तो मेरे इस फ़ोन में नहीं, मैं सैमसंग का फ़ोन नहीं यूज़ करती। तो नेक्स्ट एक ऐसा है कि वो बहुत इंस्टाग्राम के रील्स पर लोग यूज़ करते हैं वैसा। तो ये मुझे पहले बनाने दो, ये इम्पोर्टेंट है कि इसका एक लॉजिक भी है इसीलिए। तो कौन तारक मेहता देख रहे हैं भाई, इधर वीडियो में आवाज़ आ रही है नहीं मुझे पता नहीं। यहाँ पर हमने मैंने एक ओक प्लैंक लगाया है और यहाँ पर मैंने डाला लावा डाला। तो ये देखो ये अब जल नहीं रहा। एक ये मैंने एक दीदी की वीडियो में देखा था, उन्होंने ट्राई किया था। तो ये देखो जब आप ऐसे नॉर्मली प्लैंक और लावा डालोगे तो ये जल जाएगा, कैसा लॉजिक है भाई, मुझे कुछ समझ भी नहीं आता। तो जब मैंने पहली बार खेला था तब मुझे मैंने बिल्डिंग्स पर माइनक्राफ्ट से घर लगाए थे, मैंने वॉल्स से लगा कर लिए थे जब मैं वहीं खेलती थी, और मुझे बार बार माइनक्राफ्ट खेलने का मन करता था। और अब मुझे नहीं करता, मतलब कुछ तो अलग ही करने का मन करता है माइनक्राफ्ट में। ये एपी एक डायरेक्टली वायरल है, मुझे एपी बोलने की आदत है उससे। तो अभी बैरियर देना, अब ये मैंने मेरे फ़ोन पर जो लड़की बोलती है गूगल पर वगैरह उसका नाम मैंने एलेक्सा रखा है, तो वो बोली थी तो मेरी वीडियो में बाहर के सॉन्ग्स के और वगैरह म्यूजिक आ रहे थे इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बैरियर से ब्लॉक बनाना है, क्योंकि यहाँ वीडियो बहुत बड़ी हो रही है और मेरे पास इंटरनेट नहीं, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। और ये बोरिंग वर्क है, सबको माइनक्राफ्ट में ये करने में बहुत बोरिंग लगता है, ये लगाओ वो लगाओ, कुछ दिखता ही नहीं है। तो ये है कि हम विलेजर्स पर ट्राई करने वाले हैं, ऐसे बहुत लोग ट्राई करते हैं भाई, कुछ तो लग रहा है। और रियल लाइफ में माइनक्राफ्ट में नहीं, मुझे कुछ तो लगा सर पर। तो यहाँ पर मुझे ऊपर का वॉल बनानी है, और एक के ऊपर मैं एनविल डालने वाली हूँ, दूसरे के ऊपर हम डालने वाले हैं वो कुछ तो है बाबा कांटे जैसा वो, और नेक्स्ट हम डालने वाले सैंड। सैंड से देखते हैं कि सफोकेट होता है या नहीं विलेजर। हम माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिक्शन में ट्राई कर रहे हैं, पॉकेट है या बेडरॉक मुझे भी नहीं पता, खेलने का काम करती हूँ मैं। तो ये शिप क्यों आ गई, इसका ये इसको मारना है। ये देखो कुछ तो अजीब ही टावर बना कर रखा है टोको ने, कुछ भी करते हैं लोग। तो मुझे दे लेने दो, हाँ एनविल
सैंड, और ये कहा गया वो काटे वाला होता है, हाँ ये ड्रिपस्टोन। तो विलेजर, विलेजर कुछ अजीब ही देखता है, जब देखो तो फोल्डेड हैंड्स कर कर होता है, इधर हम आधे घंटे तक तो खड़े हैं तो हमारा हाथ दुखने जाता है भाई, एक वो लग रहा है मुझे। तो ये हटा देते हैं पहले वुड। तो यहाँ पर हम ऐसे एनविल लगाएंगे, ये है बहुत लोगों ने ट्राई किया है, तो हम ड्रिप स्टोन ऐसे लगाएंगे नीचे से, ड्रिप स्टोन काटा रखा है मैंने इसका नाम, जिससे ऊपर नहीं बना सकते लगता है। तो यहाँ पर हम डालेंगे ढेर सारी सैंड, वैसे भी मुझे सैंड ज़्यादा पसंद नहीं है। लाइब्रेरियन आ गया, तो खा गया वे वो, तो मुझे BTS का नहीं, मुझे मेरा ये फेवरेट सॉन्ग है वो लगा, नहीं ये मेरा फेवरेट नहीं, BTS का फेवरेट है। अभी अंदर जाना, तो ये देखो बाय मिस्टेकली मैंने यहाँ पर लगाया ही नहीं, इसीलिए वो नीचे आ गया। तो मुझे यहाँ पर लगाने दो, यहाँ पर रह गए फिर से लाइब्रेरियन। अब ये मछुआरा आया भाई हट, तो ये है हमारा नॉर्मल विलेजर जो कुछ भी काम नहीं करता। तो ये तो मर गया एनिमल से, और ये क्यों नहीं मरा भाई जी साहब, यार काटा इसने पर। और ये देखो इसको सफोकेशन होने लगा है, मतलब जब सैंड में कोई जाता ही रियल लाइफ में तभी भी उसे सफोकेशन होता है, इसीलिए कोई नहीं जाता ज़्यादा। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो इफ यू वांट मोर वीडियोस अबाउट माइनक्राफ्ट, एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो गाइस आज के शाउट आउट जो थे इन चारों को, अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो कमेंट कर दो कुछ भी अच्छा माइनक्राफ्ट के बारे में।